बेंगलुरु में 5 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के शक में ये गिरफ्तारियां की हैं। सीसीबी ने केंद्रीय खुफिया विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्धों को पकड़ा है। उनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सीसीबी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी संदिग्ध 2017 में हत्या के मामले में आरोपी थे और परपाना आगरहारा सेंट्रल जेल में बंद थे। इसी दौरान ये आतंकवादियों के संपर्क में आए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों ने विस्फोटक समेत कई तकनीकी ट्रेनिंग ली हुई थी। सभी संदिग्ध एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। खबरों के मुताबिक सीसीबी संदिग्ध आतंकियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। 5 संदिग्ध आतंकी बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। जांच एजेंसी को शक है कि इन संदिग्धों ने बेंगलुरु में विस्फोट करने की योजना बनाई थी। एजेंसियां टीम के बचे हुए लोगों की भी तलाश कर रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। UPATS की पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। पूछताछ में सीमा ने बताया है कि उसने भारत के कुछ अन्य सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने UPATS को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। सीमा हैदर के पास से 8 मई को ही फोन का बिल भी मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट भी जारी हुआ है। ATS इस बात पर मंथन कर रही है कि सीमा का पासपोर्ट 8 मई को जारी हुआ और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। UPATS की पूछताछ में सीमा इस बात का भी जवाब नहीं दे पाई कि नोएडा के रबूपुरा गांव तक पहुंचने में उसकी किन लोगों ने मदद की। ATS को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तानी रहने वाली एक गरीब लड़की बताया है। ATS सीमा के अच्छी तरह से हिंदी बोलने पर भी शक कर रही है, क्योंकि इतने कम समय में कोई धारा प्रवाह हिंदी कैसे बोल सकता है। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए। सीमा हैदर के बारे में ATS को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा की भारत आने की लोकेशन पता चल गई है। खबर है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से सीमा की भारत में एंट्री हुई थी। सीमा हैदर से पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। UPATS की अभी तक की पूछताछ में सीमा से कई सवाल पूछे गए हैं। ATS ने सीमा से पूछा कि उसे क्या किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था, क्या वो कोड वर्ड का प्रयोग करती थी। ATS ने ये भी पूछा कि क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी प्रयोग किया गया था। ISIS में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां ISIS तक भेजने का काम करता है। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ATS की पूछताछ के दौरान एक और बात का खुलासा हुआ। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। मंगलवार को NDA की बैठक में करीब 39 दल शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गहनता से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद PM मोदी ने सभी पार्टियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले विपक्ष की एकजुटता पर हमला बोला। PM ने कहा कि हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। अपने संबोधन में PM मोदी ने दावा किया कि 2024 में तय है कि NDA का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। NDA का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा उसे तय है कि 24 में NDA का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। NDA की बैठक के बाद BJP की सहयोगी पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है। सभी का दावा है कि इस बार NDA की जीत बंपर होगी। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और 330 प्लस आज की तारीख में है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसमें बढ़ोतरी होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में 400 सीटों को जीत कराएंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है पिछला सभी रिकॉर्ड टूटेगा और हम लोग 400 सीट के आसपास में पार्लियामेंट में जीत करके आवेंगे। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा
कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक सब मिलकर काम करेंगे। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया विपक्ष के इस नए नाम को लेकर राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने विपक्ष के इस नए नाम पर जमकर तंज कसा है। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है। और देखिए, इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो है भारत। विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाने वाले लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। तो इस देश में तो इंडिया और भारत की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और हमेशा भारत की जीत हुई है। तो अगर नाम बदल भी लेंगे तो भी जीत भारत की होगी, क्योंकि एनडीए जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अब बीजेपी को इंडिया के खिलाफ लड़ना होगा। ये जो ताकते है तानाशाही वाली, अब उनको इंडिया से, भारत से लड़ना होगा। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अचानक से कांग्रेस के विपक्ष को एकजुट करने के सक्रियता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को साथ लाने की पहली बड़ी पहल नीतीश ने की थी। नीतीश कुमार के प्रयास से ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के बड़े नेता पटना में 23 जून को जुटे थे। इसे नीतीश की बड़ी सफलता मानी गई। इसी वजह से माना गया कि नीतीश कुमार को विपक्ष बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, जिसमें संयोजक का पद भी शामिल है। लेकिन अब सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्री ब्लूप्रिंट भी था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वही खबर है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम से भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया नाम से भी ऐतराज की खबर है। बेंगलुरु में विपक्ष के इंडिया नाम से गठबंधन बनाने के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि वो अगर दो और जोड़ लेते तो 38+2 यानी 40 पूरे हो जाते। इस पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। पार्टी तो प्रदेश की जनता को लूटने वाला एक समूह है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख 4 नेताओं के नाम पर गौर किया जाए तो वो एक ही घर से निकलेंगे। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। ये प्रदेश की जनता को लूटने वाले लोगों का एक समूह है। प्रदेश की जनता के जो संसाधन थे उनको से अपना घर भरने वाले लोग हैं। अगर समाजवादी पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं का नाम सुनेंगे तो एक ही खानदान के निकलेंगे, एक ही परिवार के निकलेंगे। इनका प्रदेश और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश को अपराधियों की आग में झोंकने वाली ये टीम है। UPATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले 2 एजेंटों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। दोनों को लखनऊ लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ATS जल्द ही दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दोनों से बरामद मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। UPATS ने 16 जुलाई को गोंडा के रहने वाले मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया था। रईस ने पूछताछ में बताया था कि जब वो मुंबई में काम करता था, तब उसकी मुलाकात जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई निवासी अरमान अली सैयद से हुई थी। अरमान ने ही रईस को भारत में रहने वाले मुस्लिमों पर हो रहे जुर्म को लेकर बरगलाया था। अरमान ने ही उससे ISI के लिए जासूसी करने के लिए राजी किया था। रईस ने बताया कि अरमान ने ही उसे ISI का एजेंट का नंबर मुहैया कराया था। अरमान ने ही रईस से ISI एजेंट से बात करवाई थी। अरमान और ISI एजेंट के रहने पर रईस ने अपने गोंडा निवासी दूसरे दोस्तों को ISI से जोड़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान उसने गोंडा के वजीरगंज निवासी मोहम्मद सलमान सिद्दीकी को भी ISI एजेंट से मिलवाया था। Z News.